धर्मनगर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए गुरुवार सुबह धर्मनगर पूर्व बाजार क्षेत्र में एक होंडा सिटी कार से 100 किलोग्राम गांजा जब्त कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार की तलाशी ली और कार की पिछली सीट में अच्छी तरह से पैक किए गए कवर से 100 किलोग्राम गांजा बरामद किया। SDPO ज्योतिषमान दास चौधरी और OC बेनुमाधव डे की पहल पर यह तलाशी अभियान चलाया गया। जब्त गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। हालांकि हिरासत में ली गई कार में डॉक्टर के पेशे का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है। पुलिस को कार की नंबर प्लेट फर्जी होने का संदेह है। मामले की जांच जारी है। On this information, myself along with staff and SI Amaldev Burma and our leaded by SDPO Dharmanagar reached to the spot and detained the said car. And after search found approximate 100 kg gaja loaded. We are now registering the case. Investigation is in under progress. Price 5 lakhs. त्रिपुरा में सरकार बनाने के बाद बीजेपी नेता राज्य में संसद की 2 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए उत्साहित है। चुनाव आयोग ने हालांकि अभी देश में संसदीय चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन पार्टी ने सांगठनिक स्तर पर इन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। अगरतला में इसी के तहत एक सांगठनिक बैठक का आयोजन किया गया, जहाँ प्रदेश के नेताओं ने हिस्सा लिया। बीजेपी को राज्य की दोनों संसदीय सीटों पर जीत का भरोसा है। बीजेपी की प्रदेश इकाई ने 2 संसदीय क्षेत्रों के लिए 2 कमेटियों का गठन किया है। पूर्वी त्रिपुरा क्षेत्र का प्रभार रतनलाल नाथ और राजीव भट्टाचार्य को सौंपा गया है, जबकि सुदीप रॉय बर्मन और प्रतिमा भौमिक पश्चिम त्रिपुरा क्षेत्र का प्रभार संभालेंगे। We are trying to win the election on our performance of this government and as well as based on organization. We are thinking like this and we hope both these seats will win, not only one, and that seat win by a good margin. We will win both these seats. पहली बार त्रिपुरा में अपना सरकार बनाने के बाद बीजेपी का मानना है कि नेक्स्ट ईयर जो लोकसभा इलेक्शन होगा उनमें दोनों ही सीट बीजेपी को मिले, और आज से ही जो इलेक्शन अभी भी बहुत देर है, आज से ही बीजेपी ने अपना प्रिपरेशन यहाँ पे शुरू कर दिया है। उन्होंने लोकसभा इलेक्शन का ब्यूगल त्रिपुरा में बजा दिया। कैमरा पर्सन काजल केरी के साथ मैं तन्मय चक्रवर्ती, अगरतला से न्यूज 18 आसाम नॉर्थ ईस्ट के लिए। राजनीतिक दल में तब्दील हो चुके प्रिज्म नामक संगठन ने मुख्यमंत्री लालधन हावला को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को अपनी बहू को इंटरव्यू लेने और आधिकारिक निर्णय लेने का काम नहीं सौंपना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई आधिकारिक स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री के ऐसे आचरण को प्रिज्म ने सार्वजनिक अपराध बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। प्रिज्म के अध्यक्ष वनलाल रुआता ने कहा कि हमें मिली सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री की बहू रोजी CMO में बैठती है तथा अधिकारियों और जनता का इंटरव्यू लेती है। We have received information about his daughter-in-law have conducted public interview in near chief minister's office. So we think it is a very serious thing and we prove it. After we prove it, it is the report is correct. So we thought that this is abuse of public office. So we want him to resign from his designation. गुरुवार को वामपंथी छात्र संघ SFI ने त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज के निदेशक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संघ ने राज्य में मेडिकल सीट के वितरण में घोटाले का आरोप लगाया। छात्र संघ का आरोप है कि मेडिकल सीट की सूची में 9 छात्रों के नाम हैं जो राज्य के बाहर से हैं और उनका नाम राज्य के कोटा में शामिल किया गया है। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज की फीस कम करने की भी छात्र संघ ने मांग उठाई, जो कि मौजूदा 38 लाख है।
स्टेट का जो सीट है इसमें आउट स्टेट का नाम इसमें घुस गया और हम इसके क्लेरिफिकेशन चाहिए डिपार्टमेंट को। हमारी गवर्नमेंट इसमें कोई बात नहीं कर रहा है। हमारा इसमें आवाज़ है कि गवर्नमेंट हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्यों बात नहीं कर रहा है इसमें কি করে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের নির্ধারিত কোটায় বহিরাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের নাম ঢুকানো হলো? এই ঘটনা কার নির্দেশ হয়েছে এবং কেন এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে? এই ঘটনার পিছনে রাজ্য অথবা রাজ্যের বাইরে কোনো ধরনের চক্র কাজ করছে কিনা এই ঘটনাগুলি সুষ্ঠু তদন্ত বের করে জনগণের সামনে সেই সত্যকে উদ্ঘাটন করতে হবে। আমরা দেখলাম আজকে দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত, এখন পর্যন্ত দপ্তর থেকে কোনো ধরনের কোনো স্পষ্টীকরণ দেওয়া হয়নি, ফলে আমরা আজকে বাধ্য হয়ে আমরা এখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছি। ফলে আজকে আমরা যখন এখানে মিলিত হয়েছি উনি তারপর ওনার চোখ ঘুম ভেঙেছে, চোখ খুলেছে, ঘুম ভেঙেছে, তারপর উনি আমাদেরকে ডেকেছেন আজকে কথা বলার জন্য। सालों से देश का सबसे साक्षर राज्य रहा मिजोरम अब अपना गौरव खोता जा रहा है। हाल के वर्षों में इसकी गिनती केरल और त्रिपुरा के बाद होने लगी है। मिजोरम के 8 जिलों में से लवंगतलई जिले में साक्षरता दर सबसे कम यानी 68.88% है। साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कुछ सरकारी कर्मचारियों ने एक संघ का गठन किया है। इस संघ ने रात्रि विद्यालय की स्थापना की है जहां अशिक्षितों को पढ़ाया लिखाया जाता है। मंगलवार की रात प्रखंड विकास अधिकारी डेनियल साइलो ने रात्रि स्कूल का उद्घाटन किया और उम्मीद जताई कि इससे जिले में साक्षरता दर बढ़ेगी।